माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने उनकी एक पीछे स्पीच सुनी भी होगी कि मैं मुख्यमंत्री ने जितने मेरे कार्यकर्ता सारे चौधरी हैं और ये अफसरों के पास काम कराने जाएंगे तो अफसरों को इनका काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, कोई बेईमानी नहीं है, सब दुनिया के लिए समाज के लिए काम करते हैं। तो उनको कह दिया कोई भी अफसर अगर इनके चक्कर लगवाएगा तो उन अफसरों के चक्कर मैं लगवा दूंगा। ऐसे हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी ने भी इस जनता का, इस करनाल का, पूरे हरियाणा का इतना विकास किया है। एक नारा जो उन्होंने दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसके ऊपर खड़े उतरे। आज यहाँ आप भी देख रहे हो कि हर बिरादरी के 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। आज श्री कृष्णलाल तनेजा जी के जो व्यापार मंडल है, उस व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबका नाम लूंगा तो कोई ना कोई ज्यादा रह जाएंगे, इसलिए मैं नाम औरों के नहीं लूंगा क्योंकि दो के ले लिए चार के रह जाओ अभी अच्छा नहीं है। प्रधान जी हमारे इस व्यापार मंडल के हैं तो इनके भी नेतृत्व के अंदर ये सारा व्यापार मंडल आज इकट्ठा है। मैं व्यापारियों को भी ये आश्वासन दूंगा कि पहले मनोहर जी ने जो काम किए हैं, माने नायब जी भी उससे भी आगे बढ़कर काम करेंगे और कोई भी इनकी समस्या होगी ये मेरे को बताएंगे, उन समस्याओं को हम आगे लेके जाएंगे। कल भी अपने व्यापार मंडल के बहुत सारे व्यापारी परसों चंडीगढ़ इन्होंने अपना रखा था और सभी चंडीगढ़ गए थे, इनकी समस्याएं सुनते तुरंत उन्होंने अफसरों को फोन किया, माने मुख्यमंत्री उनको समस्या का मौके पर निदान किया। मैं पंजाबी सभा थी, ब्रह्म कुमारी थे, व्यापार मंडल के कार्यकर्ता थे और भी बहुत सारे लोग करनाल से, लगभग 40-50 लोग गए थे। 3 महीने बाद चुनाव है, कितनी बड़ी आपके सामने ये जिम्मेदारी है क्योंकि समय बहुत कम है, शहर के लोगों को कितना आपको मिल पा रहा है? देखो ये अपनी अपनी सोच है, अगर मैं अकेला होऊंगा तो समय बहुत कम है, मेरे साथ हजारों लोग हैं, हजारों कार्य करते हैं, इसलिए कोई समय कम नहीं है। एक व्यक्ति ने करना हो तो 100 दिन का समय है, अगर 1000 व्यक्ति ने करना हो तो आप समय लगा लो, हमारे पास पूरा समय है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत पूरे देश के अंदर अच्छा एक उन्होंने प्रदर्शन किया और माननीय मोदी जी की 3री बार सरकार केंद्र में बन के आई है। हरियाणा के अंदर भी अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले हैं, हमारी 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के आएगी। ये सारे कार्यकर्ताओं के बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के कामों का परिणाम। लगातार उसके बयान इसी तरह है, सारे चोर चोर मुसहरे बारी इकट्ठे होके वहां बैठे हैं और वो सारे के सारे गलत बयान दे रहे हैं। कल आप खाली इसका बयान में देखो, आप उसका मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश का बयान देखो, वो भी अच्छा बयान नहीं था, उन्होंने भी गलत बयान दिए। मैं इनको कहूंगा कि राजनीति एक स्वच्छ मन से राजनीति करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े स्वच्छ मन से राजनीति करते हैं। मैं पिछले 4.5 साल से यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कोई भी आए मैंने नहीं पूछा ये कांग्रेसी है या किस पार्टी का है, उसका काम है तो उसको किया है। माने मनोहर जी ने किसी कभी नहीं किसी से पूछा कि ये काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, काम होने वाला है उसका ठीक काम है तो उसको काम को सिरे चढ़ाया। जो उन्होंने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर ही राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। परंतु कांग्रेस के लोग अच्छी राजनीति करते हैं, गलत राजनीति करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, एक स्वच्छ मन से राजनीति करनी चाहिए। तो मैं राहुल गांधी को भी कहूंगा आपके माध्यम से ये संदेश वहां पहुंचना चाहिए, एक स्वच्छ मन से राजनीति करनी चाहिए।